हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में दलितों के विरोध बेतहाशा बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं जिला मीडिया प्रमुख ललित पोत्रा ने बताया कि भाजपा के अनुसूचित मोर्चा तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा उक्त ज्ञापन दिया गया। उक्त ज्ञापन में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के पिछले 2.5 वर्ष के शासन काल में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। अभी हाल ही में झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या, गंगानगर में किशनलाल मोची पर जानलेवा हमला, पाली में एक दलित युवक की सर कुचलने की घटना, मांडागढ़ में दलित युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने की घटना, अलवर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सहित प्रदेश के सभी इलाकों में दलितों पर अत्याचार की निर्मम घटनाएं सामने आ रही हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष साधुराम मेघवाल ने बताया कि कांग्रेस के शासन में दलितों के विरुद्ध हो रही घटनाओं के 17,521 मामले दर्ज हुए हैं। केवल मई 2021 के मुकाबले जून 2021 में लगभग 35% वृद्धि हो गई है और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों के 4,809 मामले दर्ज हुए हैं। केवल मई 2021 के मामले जून 2021 में लगभग 58% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष बिरमाराम मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में घटित हो रही ये घटनाएं अनुसूचित जाति व जनजाति के मन में भय पैदा कर रही है। प्रदेश में कानून से विश्वास खत्म हो रहा है और अपराधियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अनुसूचित जनजाति जिला अध्यक्ष राजू दास भील ने कहा कि उक्त घटनाओं पर तुरंत लगाम लगाकर पूर्व में हुई घटनाओं के दोषियों को शीर्ष दंड दिलवाएं, अन्यथा मजबूर होकर सड़क पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। जिला प्रवक्ता ललित पोत्रा ने बताया कि उक्त प्रदर्शन तथा ज्ञापन कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल, प्रधान रूपाराम सारन, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण वडेरा, जिला महामंत्री बालाराम मूड, वीरमाराम मेघवाल, राजू दास भील, पृथ्वी चंदक, अनीता चौहान, रणवीर सिंह भादू, सुरेश मोदी, प्रोफेसर मेघा राम गढ़वी, गोपाल दास, आनंद पुरोहित, राजू राम सोनाराम सहित भाजपा के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए आदुराम मेघवाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। सड़कों पर उतरी है भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा और जनजाति मोर्चा ने राजस्थान के अंदर दलितों के साथ में हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक मुख्यालय पर जो है धरना और प्रदर्शन आज दिया गया हमारे एससी मोर्चा और एसटी मोर्चा की तरफ से। साथियों, हम यदि देखें राजस्थान के अंदर अत्याचार दलितों के साथ में इतने बढ़ गए हैं कि पाली का अत्याचार हो, गंगानगर के अंदर घटना हो और जगह जगह पूरे राजस्थान के अंदर हमारी बहन और बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ में बलात्कार हो रहा है, किसी के साथ में लाठियों से पीट पीट के जो है उनकी हत्या कर दी गई। परंतु इस राजस्थान सरकार ने और यहाँ के जो पुलिस जो प्रशासन है उनने कार्रवाई नहीं करते हुए उनको न्याय नहीं मिल रहा है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।